वेलकम टू सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज डेली स्पोकन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस के सीरीज में हमने 50 तक डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। आफ्टर 50 द सेंटेंसेस जो हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक आप इस सेंटेंस को जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 51 के बाद क्या है थोड़ा ध्यान से रखिएगा। पहला सेंटेंस है कि जस्ट लाइक दैट, क्या है जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट का मतलब क्या होता है? बस ऐसे ही। अगर कोई कहे जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही, जैसे आप कहीं पर जाकर पहुंच गए अचानक, ठीक, आप ऐसे रास्ते से गुजर रहे हो, आप चले आए सन इंस्टीट्यूट, आप मैंने पूछा भाई कैसे आना हुआ, आप बोलोगे बस ऐसे ही सर, मीन्स जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट का मतलब बस ऐसे ऐसे ही, ठीक है, बस ऐसे ही। दूसरा अगला है वेयर टू गो। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो और आपको पता नहीं है कहाँ जाएं, तो आपको बोलना है कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ बैठें, वेयर टू सिट, कहाँ बोलें, वेयर टू स्पीक। आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सा इसमें तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है, सिंपल यहाँ पर लगा देना है वेयर, उसके बाद टू लगा देना है, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ले लेना है, ये कहाँ, अब जैसे व्हाट ले लेना है, व्हाट के बाद टू लगा देना है प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ले लेना है। जैसे क्या करें, व्हाट टू डू, क्या बोलें, व्हाट टू स्पीक, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या क्या करें, व्हाट टू डू, ठीक है। इसी तरह से कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ बैठें, वेयर टू सिट, कहाँ लिखें, वेयर टू राइट, ना कहाँ सुने, वेयर टू लिसन। समझ में आ रहा? अगला देखते हैं इस तरह की चीजें। अगला जो हमारा है तीसरा है हाउ, तीसरा है कि एनफ या दैट्स एनफ। कभी कभी क्या है कि सामने वाला खूब ढेर सारा बोलता रहता है, ठीक है, सामने वाला कभी कभी ढेर सारा बोलता रहता है, और जब ढेर सारा बोलता रहता है तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे, यहाँ पर आपको कहना है कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, एनफ का बोलना है एनफ, या दैट्स एनफ, अब बहुत हुआ, दैट्स एनफ का मतलब बहुत हुआ। अगला है हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब होता है आपकी हिम्मत कैसे हुई, कोई अनुचित बात अगर बोल दे आपको तो आप उसको क्या बोलोगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ना आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। इसमें क्या करते हो, सिंपल सा आप समझ लो, हाउ डेयर यू, हाउ हाउ डेयर यू, टू प्लस आगे वर्ड का फर्स्ट फॉर्म दे दो। जैसे आप जा रहे हो कहीं से, अचानक कोई इंटेंशनली आपको छू दिया, जानबूझकर आपको टच करना चाह रहा है, तो आपको उसको बोलना है हाउ डेयर यू टू टच मी, टू टच मी, आपको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुआ हुई आपकी। तो हाउ डेयर यू का मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई, टू लगाकर उसमें एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आपको जोड़ देना है, आप जोड़ करके सेंटेंस लिख लेना दोस्तों। आगे आपको देखना है क्या क्या पढ़ना है, हाउ डे यू हो गया, अगला हु द हेल आर यू। अचानक कोई अगर आपको सजेशन देता है बिना बताए बिना समझे, तो आप कहते हो आप होते कौन हो, मुझे सलाह देने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू मतलब आप होते कौन हो, हु द हेल आर यू, आप होते कौन हो, हु द हेल आर यू। आगे बढ़ते हैं इससे, अगला है स्टॉप नॉनसेंस। स्टॉप नॉनसेंस का मतलब बकवास बंद करो, कोई बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है, आपको बोलना है स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करो, ना क्या बोलेंगे, बकवास बंद करो, स्टॉप नॉनसेंस, बकवास बंद करो, क्या बोलना है, बकवास, बकवास बंद करो। अगला है माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान पर लगाम दो। अगर कोई आपको बोलता जा रहा है, बार बार बोलता जा रहा है, तो आप सुन नहीं पा रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश में उसको बोलना माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, जुबान पर काबू करो, जुबान पर माइंड करो, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। आगे इसी तरह से अगला है माइंड योर ओन सेल्फ। यहां पर अगर कहा जाए ओन सेल्फ का मतलब अपने स्वयं से, अपने आप से, कहा जाए अपने आप से मतलब रखो, अपने आप से मतलब रखो का मतलब माइंड योर ओन सेल्फ, क्या बोलेंगे, माइंड योर ओन सेल्फ, अपने आप से मतलब रखो, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान पर मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर जॉब, जॉब अपने काम से मतलब रखो। अगला जो 60 है दोस्तों, 9 अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली का मतलब भाग्यवश, लकीली या फॉर्चुनेटली मीन्स भाग्यवश,
अगर बोलना दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, क्या बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स आपको बोलना है दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश। आगे है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब क्षमा करें। एक्सक्यूज मी, जैसे दो चार लोग हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हो तो दो चार लोग एक जगह खड़े हैं, उनको डिस्टर्ब करोगे तो सबसे बोलिए भैया क्षमा करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी, क्षमा करिए, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें। ठीक, अगला है आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ या मैं माफी मांगता हूँ। अपोलोजाइज मीन्स होता है माफी मांगना, अच्छा मजा। ठीक, माफी चाहता हूँ। अगला है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन। आप बोलो कुछ नहीं चल रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, फॉग इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग इज गोइंग ऑन। मान लीजिए अगर कोई कहा व्हाट्स गोइंग ऑन, आप पार्टी कर रहे हो तो बोलो पार्टी इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, डांस कर रहे हो तो डांसिंग इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडी इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, कुछ भी कर रहे हो तो काम बोलो प्लस इज गोइंग ऑन बोल दो। आगे चलते हैं, आगे है कुछ नहीं चल रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ खास नहीं चल रहा है, नथिंग स्पेशल इज गोइंग ऑन, कुछ खास नहीं चल रहा है, नथिंग स्पेशल इज गोइंग ऑन। अगला है अगर आपको कहना हुआ आज दिन का कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है तो बोलना है व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट टुडे, आपको सिंपल बोलना है व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, क्या बोलेंगे व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट डे इज इट टुडे, समझ में आया, व्हाट डे इज इट टुडे, समझ गए, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट टुडे। आप किसी से परमिशन के लिए क्या बोलोगे, मे आई गो, मुझे जाने दो, मे आई गो का मतलब मुझे जाने दो। एक चीज और यहाँ समझ लो, मे आई का यूज जो होता है, सिंपल सा जानो, मे आई प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा फॉर्मली, जब आप किसी से ऑफिशियली परमिशन लेते हो तो मे आई का यूज होता है, मुझे कोई काम करने कर सकता हूँ या क्या मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं आई गो का मतलब क्या मैं जा सकता हूँ, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसी तरह से मैं आई गो एक्शन लगा दो, क्या मैं जा सकता हूँ, मैं आई गो, क्या मैं आ सकता हूँ, मैं आई कम, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मैं आई सिट, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं बात कर सकता हूँ, मैं आई टॉक टू यू, क्या मैं खेल सकता हूँ, मैं आई प्ले, तो जो भी परमिशन लेना हुआ मैं आई का यूज करके आप परमिशन ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला है आई एम थैंकफुल टू यू, मतलब मैं आपका आभारी हूँ, आपको बोलना मैं आपका आभारी हूँ तो क्या बोलोगे, आई एम थैंकफुल टू यू, क्या बोलेंगे, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, लेट हिम आर हर लीव, उसे छोड़ दीजिए, लेट हिम हर लीव, कल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, आप समझ लीजिए लेट हिम आर हर लीव। अगला हाउ टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, कैसे बोलें, दोस्तों 51 से लेकर 70 तक हो गया, यानी ये 20 हो गया, इसके बाद में डिस्कस, हाउ टू का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से ये सीख लीजिए, हाउ टू का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हाउ टू का कॉन्सेप्ट क्या है आप समझ लीजिए, क्या अगर यहाँ पर यूज हो जाए हाउ टू, हाउ टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, कोई काम कैसे करें, अब जैसे कैसे बोले हाउ टू स्पीक, कैसे खड़े हों हाउ टू स्टैंड, कैसे जाएं हाउ टू गो, कैसे लिखें हाउ टू राइट, कैसे पढ़ें हाउ टू रीड, कैसे बैठें हाउ टू सिट, कैसे सोएं हाउ टू स्लीप, कैसे कंप्यूटर चलाएं हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, कैसे साइकिल चलाएं हाउ टू राइड साइकिल, तो हाउ टू के बाद आप एक्शन लगा करके चीजें कर सकते हो। ठीक है, आपने 51 से लेकर 20 तक के सीखा, 20 से लेकर 90 तक का नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा का पूरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केयरफुली, आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और स्टेटस लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़।